नमस्कार, दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि विशेष में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसे किसान समस्या मानते हैं, लेकिन सरकार के प्रयासों को अगर किसानों का साथ मिल जाए तो यही समस्या उनके आय का एक जरिया बन सकता है। किसानों की जिस समस्या की हम बात कर रहे हैं वो है पराली प्रबंधन। सरकार के बताए उपायों और सही प्रबंधन के जरिए किसान न सिर्फ अपनी मिट्टी और हवा में बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि ऐसे उपाय अपना सकता है जिससे यही पराली उसके आय का एक बेजोड़ स्रोत बन सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कैसे बेकार नहीं बड़े काम की है पराली। बड़े काम की पराली। पराली के हैं कई फायदे। पराली का सही प्रबंधन मतलब हवा में प्रदूषण कम, किसानों को मिलेगी राहत, पराली से किसानों को होगा मुनाफा, खेत की मिट्टी को नहीं होगा नुकसान। खेतों में फसलों के बचे हिस्से को किसान खेत में छोड़ देते हैं, यानी फसल के ऊपरी हिस्से की कटाई हो जाती है और बाकी का हिस्सा खेत में रह जाता है। किसान ऐसा इसलिए करते हैं कि उनका समय बचे और अगली फसल की रोपाई को समय पर कर पाएं। संसाधन और जानकारी के अभाव में किसान उन बचे हुए हिस्सों को, जिन्हें अवशेष या पराली कहा जाता है, उन्हें जला देते हैं। किसानों को लगता है कि इनको जलाना ही सबसे अच्छा तरीका है। नतीजा ये होता है कि इससे हवा में प्रदूषण होता है और धीरे धीरे ये आसपास के इलाकों से होते हुए शहर और उस गांव से सटे राज्यों में फैल जाता है। हवा में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, आंखों में जलन शुरू हो जाती है, फेफड़ों और आंखों से संबंधित कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से हर साल पराली इन दिनों सुर्खियों में रहती है। आज हम भी अपने इस खास कार्यक्रम में पराली पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा इसके प्रबंधन को लेकर है। हम आपको बताएंगे कि आखिर किसान पराली को जलाने के अलावा किसी और विकल्प पर विचार क्यों नहीं करते हैं। पराली के प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने इसके प्रबंधन को लेकर अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं, केंद्र सरकार और एनजीटी ने पराली के प्रबंधन को लेकर क्या क्या सलाह दी है। इतना ही नहीं, हम आपको वो तरीका भी बताएंगे जिससे किसानों के खेत से पराली हट भी जाएगी और हवा में प्रदूषण भी नहीं होगा। और सबसे खास बात ये कि फसलों के साथ साथ पराली से किसान कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर पराली है क्या और आखिर किसानों की ऐसी क्या मजबूरियां होती है जिसकी वजह से वो ये पराली जला देते हैं। इस पराली को जलाने के कई तरह के नुकसान होते हैं, हवा से लेकर मिट्टी तक इस पराली की वजह से प्रभावित हैं। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में इन दिनों अक्सर हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की समस्या रहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह हरियाणा और पंजाब में धान की फसल की कटाई के बाद जलाई जाने वाली पराली को माना जाता है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर पराली क्या होती है और इसको किसान क्यों जलाते हैं, साथ ही साथ इससे हवा में प्रदूषण का स्तर इतना क्यों बढ़ जाता है। किसान जब धान की फसल की कटाई करते हैं तो उसके बाद उसका कुछ हिस्सा बच जाता है जिसकी जड़ें जमीन में होती है। फसल पकने के बाद किसान फसल का ऊपरी हिस्सा काट लेते हैं क्योंकि वही काम का होता है। बाकी अवशेष होते हैं जो किसान के लिए बेकार होते हैं। किसान अपना समय बचाने के लिए आजकल मशीनों से धान की कटाई करवाते हैं। मशीनें धान का सिर्फ ऊपरी हिस्सा काटती हैं और नीचे का हिस्सा भी पहले से ज्यादा बचता है।
इसी बचे हुए हिस्से को पंजाब और हरियाणा में पराली कहा जाता है। किसान अगर धान को मजदूरों से या स्वयं काटें, तो खेतों में पराली नहीं के बराबर बचती है। बाद में किसान इस पराली को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल करीब 50 करोड़ टन कृषि से जुड़ा अवशेष निकलता है। इनमें से कई फसल अवशेषों का इस्तेमाल अलग अलग कामों में कर लिया जाता है, जैसे गेहूं, जौ, जई आदि का भूसा पशु चारे के रूप में, तो अरहर और इसी तरह की दूसरी फसलों के अवशेष को चूल्हे के जलावन के तौर पर। इसके बाद भी 14 करोड़ टन अवशेष बचा रह जाता है, उसमें से करीब 9.2 करोड़ टन अपशिष्ट को जला दिया जाता है, जिसमें अधिकतर होता है धान और गेहूं की कटाई के बाद बचा ठूंठ, जिसे पराली कहते हैं। हमारे यहाँ कुछ क्षेत्रों में एक गलत परंपरा बनी पड़ गई है क्रॉप रेसिड्यू जलाने की। इसे कुछ लोग पराली जलाना भी कहते हैं। वास्तव में हम देखें तो ये हम फसल जला रहे हैं। हम हमारी भारत माँ को आग से उसको परेशान कर रहे हैं। मिट्टी से लिए गए पोषक तत्व, हवा, पानी, सूरज की रोशनी और बीज की ताकत, जब हम क्रॉप रेसिड्यू को जला देते हैं तो वो ये सारे अहम तत्वों को भी जला करके खाक कर देता है और इससे प्रदूषण तो होता है लेकिन आपके धरती माँ की शहद बर्बाद हो जाती है, नई फसल के लिए वो ताकत खो देता है। यदि किसान पराली जलाना छोड़े और मशीनों के माध्यम से पराली को खेत में ही मिला दे तो वही अच्छा फर्टिलाइजर बन करके आपकी जमीन को सुधारने में बहुत बड़ी मदद करेगा। धान की फसल कटने के बाद किसान खेतों में गेहूं की बिजाई करते हैं, जिस कारण उन्हें खेत खाली करने की जल्दी होती है। किसान दिसंबर तक ही गेहूं की बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद बिजाई हुई तो फसल ठीक नहीं होती। इसी वजह से किसान खेतों में पड़ी पराली को आग लगा देते हैं। हम आपको बता दें कि खरीफ की मुख्य फसल धान की कटाई अक्टूबर और नवंबर में होती है। इसके तुरंत बाद किसानों को गेहूं की बुआई करनी होती है। किसान सोचता है कि उसके पास समय कम है और ऐसे में धान की कटाई हाथों से करने की बजाय मशीनों के इस्तेमाल से किया जाए। हाथों से कटाई का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फसल की सतह से कटाई करने के कारण धूप नहीं बचती, लेकिन इसमें काफी आदमी और समय की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ कंबाइन हार्वेस्टर मशीन ये काम बेहद आसानी से कर देती है, लेकिन इस मशीन के इस्तेमाल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पौधे का ऊपरी अनाज वाला हिस्सा तो काट लिया जाता है और बाकी हिस्सा खेत में ही रह जाता है, जिसे किसान जला देता है और फिर शुरू होती है समस्या। पराली जलाने से, जैसा कि आप सबको भली भांति पता है कि वातावरण दूषित होता है, वायु दूषित होती है, और उसके साथ साथ किसान की जो भूमि है जहां ये पराली जलाई जाती है वो भूमि को भी बहुत नुकसान होता है। पराली जलने से जो भूमि है वो गर्म हो जाती है और उसमें जो अच्छे जीवाणु होते हैं जो खेत की फसल को फ़ायदा पहुंचाते हैं वो सब मर जाते हैं, और जो खेत की जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जो टॉप सॉइल जिसको कहते हैं, उसको भी बहुत नुकसान होता है और उसके पोषक तत्व जो हैं वो काफ़ी मात्रा में उनको नुकसान होता है। और अगर यही पराली को खेत में ही गला दिया जाए और इसकी खाद बन जाए जो कि खेत में ही रहती है, तो उससे ये सारे पोषक तत्व जो पराली में होते हैं वो भी खेत को मिल जाते हैं और खेत की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। पराली को जलाने से किसान और पर्यावरण दोनों को बड़ा नुकसान होता है। किसान को जो नुकसान होता है उसका असर सीधा उसके फसल पर पड़ता है, क्योंकि पराली के जलने से मिट्टी की ऊपरी परत की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है। सीधे खेत में आग लगने के कारण खेत का तापमान काफी बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी की नमी प्रभावित होती है और मिट्टी की ऊपरी सतह सख्त हो जाती है।
मिट्टी की सघनता बढ़ने और उसमें मौजूद फायदेमंद सूक्ष्म जीवी मर जाने से धीरे धीरे मिट्टी के बंजर होने का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि फसल अवशेष जलाने से 25% फॉस्फोरस, 20% पोटाश और 60% सल्फर, 90% नाइट्रोजन का नुकसान होता है। इससे मिट्टी में मौजूद जैविक पदार्थ और मित्र कीटों का नुकसान होता है। इससे फसलों में बीमारियां लगने की आशंका बढ़ जाती है। पराली के जलने से खेत की मिट्टी के साथ साथ हवा को भी बड़ा नुकसान होता है। हर साल दीपावली के समय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में एक साथ पराली जलाने की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। किसान जैसे ही पराली में आग लगाते हैं, ये धुआं पहले आसपास के इलाके को प्रभावित करता है और फिर धीरे धीरे दिल्ली और आसपास के इलाकों में फैल जाता है। वायु प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि लोगों के लिए सांस लेना भी दूभर हो जाता है, आंखों में जलन होने लगती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस धुएं से कैंसर और फेफड़ों से संबंधित कई जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। किसान अक्सर जिस पराली जलाने को सस्ता और आसान उपाय समझते हैं, दरअसल ये उन्हें काफी नुकसान पहुंचा रहा है। ये कदम न तो उनकी अपनी सेहत के लिए ठीक है और न ही उनके खेत की मिट्टी के लिए। और मिट्टी की उर्वरता में कमी आने का साफ मतलब है किसानों की आमदनी में कमी आना। आपने देखा कैसे पराली की वजह से हवा में इतना प्रदूषण बढ़ जाता है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगती है, कई गंभीर बीमारियों के लोग शिकार हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसानों को भी ये पता है कि पराली जलाने से न सिर्फ हवा बल्कि उनकी खेत की मिट्टी भी प्रभावित होती है, फिर भी वो पराली को जलाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो समझ में आता है वो ये है कि किसानों को उस तकनीक की जानकारी नहीं है जिसके जरिए वो फसल के साथ साथ पराली को भी अपने आय का स्रोत बना सकते हैं, या फिर वो इस पराली का सही प्रबंधन कर अपनी ही खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आखिर ये कैसे संभव है, देखिए इस रिपोर्ट में। धान की पराली से छुटकारा पाने के लिए किसान अक्सर उसे जला देते हैं, लेकिन इसी पराली का अगर बेहतर तरीके से प्रबंधन करें तो ये पराली उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। और इसके लिए उनके पास क्या विकल्प है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पब्बी। डॉक्टर पब्बी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपसे कि जो पराली है किसान अक्सर उसे जला देते हैं और समझते हैं ये उसके लिए बिल्कुल बेकार की चीज है, लेकिन क्या ये वाकई बिल्कुल बेकार की चीज है या उसका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं अपने फायदे के लिए? देखिए, पराली में भी वही सब पोषक तत्व होते हैं जो धान के आप दानों में कहिए या उन सब चीज़ों में कहिए। तो इसको किसान इसलिए जलाते हैं क्योंकि उनके पास इनफ टाइम नहीं होता है दो फसलों के बीच में, तो इसलिए उसको जल्दी वो वहाँ से खेत से हटाने के लिए उसको जलाते हैं। तो हमारे संस्थान में सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग ने काफ़ी रिसर्च की और हमने एक ये कैप्सूल निकाले हैं। अच्छा। और इसमें जीवाणु है, 7 तरह के जीवाणु हमने इसमें डाले हैं और ये पराली को 15-20 दिन में इतना गला देते हैं कि किसान का जो खेत है वो अगली फसल लेने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, तो इस कैप्सूल का जो इस्तेमाल है किसान वो किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि खेतों में सीधे सीधे ये कैप्सूल तो नहीं डाला जा सकता, तो क्या तरीका अपनाना चाहिए किसानों को? इसके लिए किसान को पहले 5 लीटर पानी एक बड़े जैसे टब होता है या बड़ी खुली कोई बर्तन हो उसमें 5 लीटर पानी ले और उसको उबाल ले और उबाल के उसमें जो गुड़ जो किसानों के घर में रहता ही है तो 150 ग्राम गुड़। अच्छा। 150 ग्राम गुड़ जो है वो पानी में डाल ले और उसको अच्छी तरह उबाल ले। और जैसा कि आप देखेंगे कि जब गुड़ उबाला जाता है तो उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आ जाती है, थोड़ी सी गंदगी जो होती है वो होती है, तो वो उसको हटा दे, वो किसी चम्मच से या छलनी से उसको हटा के और उसको फिर वैसे ही छोड़ दे। और जैसे ही वो गुड़ का पानी जो है वो गुनगुना हो जाए, ठंडा हो जाए, तो उसमें 50 ग्राम बेसन
अच्छा। 50 ग्राम बेसन जो है वो उसके अंदर डाल दे। तो ये हमने गुड़ का पानी पहले से तैयार कर रखा है और इसमें हम ये 50 ग्राम बेसन इसमें डाल देते हैं। तो अब ये जब ये घोल तैयार हो जाए तो जो ये कैप्सूल की किट, ये चार कैप्सूल की एक किट हम इसे कहते हैं, और इन चार कैप्सूल्स को इसमें से निकाल के जी लाइए, मैं आपकी मदद कर दूं। इसमें से ये कैप्सूल निकालते हैं और इसमें चार कैप्सूल होते हैं जी, और इन कैप्सूल्स को ध्यान रहे कि इनको खोल के डालना है, इनको ऐसे ही नहीं फेंक देना है, इसके अंदर का जो इसके अंदर जीवाणु है वो इसके अंदर जाने चाहिए। और अच्छे से मिलाने के बाद इसको किसी हल्के कपड़े से इसको हल्का सा ढक देना है। अच्छा। 3-4 दिन में आप देखेंगे कि पानी के ऊपर जो गुड़ का घोल है उसके ऊपर एक जीवाणुओं की परत बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा। ये और ऐसे ही 3-4 बार मिला के इसको 25 लीटर बनाना पड़ेगा। अच्छा। और इस पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा तैयार करने में? इसमें 12 से 14 दिन लगेंगे। अच्छा। और जैसे ही ये 25 लीटर घोल तैयार हो जाए तो इसमें से 10 लीटर घोल 200 लीटर पानी में मिला के उसको 1 एकड़ की जो पराली है उस पे इसको छिड़क दिया जाता है जी। हाँ। तो क्यों ना ये जो अगला चरण है ये हम दिखाएं खेतों में ही जाके और दिखाएं कि किस तरह से छिड़काव करना है ये खेतों। तो चलिए चलते हैं और अगला चरण देखते हैं। तो महज 4 कैप्सूल से एक घोल तैयार करने की प्रक्रिया हमने देख ली है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इसे जो खेत है उसमें छिड़का जाता है जी। ये अब हमने जैसे घोल तैयार किया था ये घोल ले लिया, इसको अब हम स्प्रेयर में डालेंगे और पानी डालेंगे, पानी में मिला के और फिर हम इसको स्प्रे करेंगे। यही पराली जिसे कि किसान जला देते हैं उसको जलाने के बजाय एक बेशकीमती खाद के तौर पे वो अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर तौर पे जो फसल की गुणवत्ता है उसमें भी असर पड़ेगा, वो भी अच्छी आएगी, फसल की बढ़वार अच्छी होती है और फसल की क्वालिटी गुणवत्ता जैसे आपने कहा है वो भी अच्छी होती है और भूमि का भी सुधार होता है। बिल्कुल डॉक्टर पब्बी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये पूरी प्रक्रिया अपना के दिखाया हमें कि किस तरह से जो चार महज गोलियां हैं उससे जो किसान है वो कितना अच्छा एक खाद जो है वो तैयार कर सकता है उसी पराली से जिसे वो बिल्कुल ही बेकार समझता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कृषि विशेष में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जिससे किसान पराली से मुनाफा कमा सकते हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि कैसे किसान पराली का इस्तेमाल मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कर सकता है। अपनी खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के अलावा इस पराली के कई और इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियां इस पराली के जरिए किसानों की जेब भरना चाहती है और अब कई जगहों पर किसान आगे आकर इन प्रयासों से जुड़ रहे हैं। क्या आप भी जानना चाहेंगे कैसे? तो आइए आपको बताते हैं कैसे ये पराली किसानों की जेब भर रही है। हाल के वर्षों में पराली प्रबंधन को लेकर अच्छी बात ये हुई है कि अब इसे समस्या के तौर पर नहीं देखा जा रहा।
बल्कि इससे कमाई के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। पराली के जैव ईंधन के रूप में इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तो दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में सभी 11 ताप विद्युत संयंत्रों को पराली की गांठों का जैव ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। इससे पराली का प्रबंधन हो सकेगा, वायु प्रदूषण में कमी आएगी और किसानों की आय में इजाफा होगा। किसान चाहे कि वो पराली को ये गलाना नहीं चाहता है तो राज्य सरकारों ने एक स्कीम निकाली है जिसके अंदर वो पराली को खेत से उठा लेते हैं और ये पराली के हमारा जो कृषि अभियंत्रकी संभाग है उन्होंने कुछ मशीनें तैयार की हैं तो इसके पराली के जो है उसके कॉम्पैक्ट करके उसके ब्लॉक्स बन जाते हैं और वो ब्लॉक्स जो हैं वो इंडस्ट्री में या और जगह पे ईंधन की तरह इस्तेमाल होते हैं और वो एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत है या ऊर्जा का विकल्प है जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है। पराली प्रबंधन के मामले में कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास ने वेस्ट टू वेल्थ का एक शानदार मॉडल विकसित कर देश को नई राह दिखाई है, जिसके लिए रोहतास मॉडल को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इस मॉडल के तहत स्ट्राबेलर मशीन से पराली का कंप्रेस्ड बंडल बनाकर डेयरी समितियों को बेचा जाता है। वो पराली जिसे किसान फालतू समझते थे और जला देते थे अब उनके लिए आमदनी का अच्छा जरिया बन गया है। किसानों ने भी आगे बढ़कर पराली से कमाई शुरू कर दी है। कहीं किसान पराली को ईंधन ब्लॉक का रूप देकर निजी एजेंसी के माध्यम से चीनी और पेपर मिल वगैरह को सप्लाई कर रहे हैं तो कहीं महिलाएं धान की पुआल से बेड बनाकर पैरा मशरूम यानी पैडी स्ट्रॉ या चाइनीज मशरूम उगा रही हैं ताकि उनकी लागत कम हो और पर्यावरण संरक्षण भी हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि फसल अवशेष जलाने से 90% नाइट्रोजन, 25% फॉस्फोरस, 20% पोटाश और 60% सल्फर का नुकसान होता है। पराली न सिर्फ किसानों की समस्या है बल्कि सरकार के लिए भी ये एक गंभीर मुद्दा है। सरकार चाहती है कि किसान पराली को जलाने की बजाय इसका उचित प्रबंधन कर अपनी आय का एक स्रोत बनाए। सरकार इसके लिए कई योजना लेकर आई है, नई नई तकनीक के जरिए पराली के प्रबंधन को प्रोत्साहित कर रही है। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अगर किसान पराली को जलाकर प्रदूषण फैलाते हैं तो उन्हें इसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। आखिर क्या है सरकार की योजनाएं और वो कौन कौन सी नई तकनीक है जिसका किसान इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अक्सर सर्दियों के शुरुआत होते ही हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में हवा में अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है और इसकी सबसे बड़ी वजह पराली को जलाना है। आप इस प्रदूषण के बढ़ते स्तर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगती है, दिन भर धुंध छाया रहता है, आंखों में जलन होने लगती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार और एनजीटी दोनों ही लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार पराली के प्रबंधन के लिए किसानों को कई तरह की मशीनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हैप्पी सीडर मशीन से धान की कटाई के बाद पराली को बिना खेतों से निकाले गेहूं की बुआई की जा सकती है। इससे 50-70% खरपतवार भी कम उगते हैं। बुआई से पहले खेत में नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती और ऐसे में पानी की बचत हो जाती है। किसानों को खेत में पराली को एक साथ बिखेरने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर के पीछे सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा धान की पराली के कुतरन को खेत में मिलाने के लिए पराली वाले चॉपर या मल्चर का उपयोग किया जा सकता है, जिसके बाद खेत को हल्का पानी लगाकर रोटावेटर की मदद से इस पराली को बड़ी आसानी से जमीन में मिलाया जा सकता है। या फिर कुतरी हुई पराली को एमबी प्लाउ यानी उल्टे हल की मदद से नमी वाले खेत में मिलाया जा सकता है। किसानों को 50% अनुदान पर ये मशीनें मिल जाती हैं। यही नहीं, किसानों के समूह को कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 80% अनुदान भी दिया जाता है।
पराली को जला के जलाया नहीं और उसका दूसरा इस्तेमाल हो सकता है। एक तो आपने देखा होगा कि सरकार ने 3 साल पहले निर्णय लिया था, उसको हम कहते हैं कि इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ स्टबल, मतलब जो पराली जहां है वहीं पे उसका उपयोग हो जाए। तो उसके लिए डिफरेंट इक्विपमेंट हैं जिसमें हैप्पी सीडर एक इक्विपमेंट है, तो सरकार काफ़ी उसको सब्सिडाइज कर रही है ताकि फार्मर उसको खरीद पाए। और बहुत सारे कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहाँ पे से किसान उसको किराए पे लेकर के अपने खेत में इस्तेमाल करें। तो ये इन सीटू मैनेजमेंट है, मतलब हुआ कि जहाँ पे पराली है उसको वहीं पे उसका इस्तेमाल हो जाए, पराली के रहते हुए भी खेत में कटाई हो सकती है और उसके सहयोग से इक्विपमेंट के सहयोग से बुआई भी हो सकती है। फसल अवशेष का प्रबंधन करने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर मशीन के साथ सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रॉ रीपर अथवा स्ट्रॉ रेक बेलर का प्रयोग सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। सरकार पराली की समस्या को जड़ से खत्म करने का हर संभव प्रयास कर रही है। पराली के जलने से होने वाले प्रदूषण पर एनजीटी भी नजर रखे हुए हैं। पराली को जलाने से रोकने के लिए कई तरह के कानून बनाए गए हैं, साथ ही जुर्माने के कई प्रावधान भी हैं। पराली जलाने पर 2,500 से लेकर 15,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। पराली जलाने पर नजर रखने के लिए राज्यों ने कई टीमों का गठन भी किया है जो इसको रोकने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो 4 साल पहले से कंपेयर करें तो जितने भी किसान हैं धीरे धीरे वो पराली जलाने के बदले वो इन सीटू मैनेजमेंट की तरह जा रहे हैं। बहुत सारे हैप्पी सीडर्स यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगे हैं। तो ये हमारा छोटा और मध्यम किसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। इवन कस्टम हायरिंग सेंटर से भी वो किसान उस इक्विपमेंट को हायर करके वो नहीं कर पाता है। तो अभी काफ़ी धीमी रफ्तार है, लेकिन यदि आप 4 साल पहले से कंपेयर करें अभी तो काफ़ी किसान धीरे धीरे इस ओर अग्रसर हो रहे हैं। और अब बहुत सारे गांव में जाएंगे पंजाब के, या तो जलंधर डिस्ट्रिक्ट है, लुधियाना है, बहुत सारे ज़िले में या हरियाणा के ज़िलों में जाएंगे तो वहां पे कई गांव में किसान ने इस चीज़ का उपयोग शुरू कर दिया है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और वो जो जितने एकड़ लैंड कवर होने चाहिए वो अभी काफ़ी कम है। सुधार जरूर है, कोशिश की जा रही है। इसी के साथ आज के कृषि विशेष में बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी और खास विषय के साथ और जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।